मॉर्निंग गाइस, आज हम जो है हम लोग डायमंड खुदाई करने वाले हैं। मैं ऑफलाइन मतलब से एक्सप्लोर कर रहा था वीडियो बंद करके, तभी मैंने निकला एकदम स्ट्रेट नीचे डीप माइनिंग की थी, तो मुझे क्या दिखता पता है, बहुत सारे डायमंड्स। तो मैं अभी आपको लोग को वीडियो में दिखाऊंगा। तो देखो अभी मैं अपनी शवल ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि माइनिंग करने के लिए तो डॉट आएगी और डॉट को शवल से ही तोड़ेंगे हम लोग, आई मीन कलेक्ट करेंगे उसको। तो अब इसको रिपेयर करना पड़ेगा, थोड़ा सा डैमेज हो गया है। पिछले वीडियो में थोड़ा नीचे गया था माइनिंग करने, तो मेरे को आयरन में तो मैंने एनविल भी बना लिया। अब इसको रिपेयर कर लेते हैं। चलो अभी चलते हैं हम लोग वो स्ट्रेट माइनिंग करने, वहीं पर चलते। और आपको एक और चीज़ दिखानी चाहता हूँ, जो मेरे को ज़ॉम्बीज़ का स्पॉनर मिला था ना, वहाँ पे मैंने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मार के बहुत सारी एक्सपी कलेक्ट किया, बहुत सारी बुक को एन्चेंट कर लिया यहाँ से। और लास्ट वीडियो में मैंने एन्चेंटमेंट टेबल बनाया था, मगर वो दिखा नहीं रहेगा आपको शायद से। तो देखो मैंने नहीं क्या, वो जो वहाँ पे फूल है ना, मैंने पॉपी का एक गाड़ा है यहाँ पे, देखो इधर यहीं से हम लोग नीचे जाएंगे तो हमको वो मिलेगा डायमंड। मैं रिकॉर्डिंग बंद करके एक्सप्लोर कर रहा था, देखो अभी जाएंगे। थोड़े से नज़ारे देख रहा था मैं, सीधा नीचे चलते। चलो अरे यार नीचे चले जा, हाँ अब सही है। अरे इससे कर सकते, हाँ इससे तोड़ो। चलो अभी सीधा नीचे चलते हैं हम लोग, चलो सीधा। अरे मुझे आयरन दिखा शायद से, हाँ आयरन। चलो वापस ऊपर स्टोन, हाँ ये रहा स्टोन। हम वापस ऊपर जाकर पहले आयरन थोड़ा सी कलेक्ट करते हैं, क्योंकि आयरन के बहुत बांधे पड़े हैं यहाँ पे। सिर्फ वो एक लास्ट आयरन बचा था, जो कि मैंने शवल को रिपेयर कर दिया, जिससे मैंने आयरन के बांधे आयरन कलेक्ट कर लेते। चलो फिर से नीचे चलते हैं। हम लोग नीचे आ चुके हैं और देखो वहीं पर डायमंड मिला था मुझे, दिखा रहेगा आपको एक झलक। इधर मैंने टॉर्च लगाया था पिछले बार शायद से, हाँ ये देखो बहुत सारे डायमंड मिले थे मुझे, पता नहीं क्या एक जगह पर डायमंड होते हैं। गाइस आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, आखिर मैं लकी हूँ इसलिए मुझे मिला। देखो मुझे डायमंड का और क्यों मिल रहे हैं, अच्छा मेरी पिकैक्स सिल्क टच वाली इसलिए मुझे डायमंड के और मिल रहे हैं, अब मालूम पड़ा मुझे। ये झोल है दूसरी पिकैक्स लेते, तब आयरन वाली पिकैक्स में लेकर आया, उसमें फॉर्चून वन लगा तो उससे मुझे डायमंड ज़्यादा मिलेंगे, वो वाली पिकैक्स यूज़ करते। भाई देखो अब मैं नया बंदा, तो मेरे कमेंट्री में थोड़ा इधर उधर गए, तो मुझे बुरा मत गेस करना कि मेरी कमेंट्री अच्छी नहीं है, अभी नया नया होना इसके लिए कमेंट्री इधर उधर जाती है। देखो दो दो डायमंड मिल रहे एक ब्लॉक में से, या फिर फॉर्च्यून वन का यही कमा ले, डबल डायमंड मिलते कभी कभी, एक और में से कभी कभी दो दो डायमंड निकलते। देखो पता नहीं कहाँ से मुझे इतने सारे डायमंड मिल गए, मैं ऑफलाइन में एक्सप्लोर कर रहा था, मुझे ये जगह मिली थी। अब
17 डायमंड भाई साहब इतना। ओ भाई यहाँ पर रेडस्टोन है, रेडस्टोन कलेक्ट करते। अरे ये सिल के चल पिकेक्स से यार, पिकेक्स चेंज करो। अरे यार रेडस्टोन गया लावा में, दूसरी जगह जाते हैं। ओ भाई कितना 64 मिल गया मुझे, जो मैं पहले से लेकर आया था और लैपिस लाजूली शायद 64 ना नहीं मिल सकते। सॉरी भाई सॉरी, ऐसा बुखार है सॉरी। कितना लैपिस लाजूली मिला भी मुझे, इतना ही मतलब मैंने घर से लेकर आया था, मैं घर से थोड़ा सा लेकर आया था मैं लैपिस लाजूली। ये जो हम लोग रेशन कर रहे थे उसमें से भी एक्सपी मिलती है, ये अच्छा है। ये अच्छा हमको एक्सपी मिलती रहती है, ज़्यादा नहीं मिलती थोड़ी सी मिलती मगर काम चल जाता है। ये देखो अरे यहाँ पर भी रेस्टोरेंट है, चलो वहाँ चलते हैं अभी। डॉट अब डायमंड वाले चुकी से करूँगा तो उसका और बन जाएगा इसके लिए। ये एफिशिएंसी वाले नहीं फॉर्च्यून वाले से तोड़ेंगे, ज़्यादा मिलेंगे रेडस्टोन। मिला एक और ब्लॉक है, चलो आगे फिर से कलेक्ट हुआ। हाँ हो गया लगता है, चलो आयरन ले लेते थोड़ा सा, थोड़ा सा तो आयरन बनता है। अरे उठा क्या, नहीं उठा शायद से, नहीं उठा उठा उठा। चलो अब यहीं से वापस ऊपर चलेंगे। चलो वापस ऊपर, पत्थर निकालो पत्थर। चलो मेरा डायमंड मिला इसलिए मैं आप लोग को दिखाने के लिए उसको माइन नहीं किया डायमंड को, वरना मैं माइन करके घर पर लेके आ जाता। ये सब जो है वीडियो में अच्छा लगता है, अलग सी फीलिंग आती है, इतना सारा डायमंड मिल गया अलग सी फीलिंग आती है। और वो भी 5-6 नहीं 17 डायमंड, 17 बहुत बड़ी रकम है। ऊपर अभी कोर्ट के जाते, हाँ ये राजा बोला घर कहाँ गया है, इसी दुकान जा रही वो गुस्सा था। चलो आ गए, अभी इस डायमंड को सेफली रख देते हैं अंदर, वरना कहीं मर मर गया डायमंड डिस्पॉन हो गया तो मांदे लगेंगे। कितना कॉस्ट होगा इसका भाई साहब, 8 एक्सपी जाएगी, जान दो भाई दो। ऐसे ही सही है मेरे डायमंड पिकेक्स, रख दो अंदर। चलो जो ऑल मिला है मुझे उसे पकाने को रख देते, तभी तो मुझे डायमंड्स मिलेंगे। गाइस देखो मैंने क्या ऑफलाइन मैंने क्या मैं सोच रहा था कि विलेजर का कोई हाउस बनाते तो मैं उसके लिए स्मूथ स्टोन बना रहा था, फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने तो ग्राउंड फ्लोर विलेजर्स के लिए बनाया है, इसके लिए फिर मैंने उसको तोड़ दिया। अभी मैं ग्राउंड फ्लोर विलेजर्स के लिए बनाऊंगा, वहाँ पे ही उनका एक एरिया बना दूंगा फ्रेंड्स से। तो वही मैंने स्मूथ स्टोन पकने को रखे थे वही अभी निकाल लिए मैंने, अभी डायमंड और पकेंगे। यहाँ पे रेडस्टोन वाला डाल देता हूँ, नहीं पहले कोल डाल देते। चलो डायमंड निकल रहे हैं,
दो डायमंड हो जाएंगे अभी, दो हो गए। वाओ यहाँ पे रेडस्टोन, चलो कोल भी मिल गया, रेडस्टोन भी मिल गया। वाओ रेडस्टोन नीचे गिर गया, दोनों उड़ गए क्या? अच्छा वो रेडस्टोन था पहले मेरे पास, तो उसी में जमा हो गया। 19 डायमंड, 17 नहीं 19 डायमंड, भाई साहब एक नंबर। मजा आ गया आज तो। एरो तो मुझे स्केलेटन को मार के बहुत सारे मिल गई है, और लैपिस लाजुली भी बहुत सारे हैं। 64 एक स्टैक है पूरा लैपिस लाजुली का। सो जाते हैं अभी, नहीं तो ज़ॉम्बे इनके पीछे से घुस गए, क्रीपर ब्लास्ट हो गए थे। अरे यार ये फ्लावर बार बार हाथ में आ जा रहा है, बाद में निकाल दूंगा इसको। अरे हमको पता है वो जो एक्सपी फार्म ज़ॉम्बीज को मार के मैंने जो सब बुक एंटैंट किए थे ना, मेरे पास वो जो पिकेक्स है डायमंड की उसमें सिल्क टच लगा था। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर सुना था कि वो लोग बोलते हैं सिल्क टच से हम लोग स्पॉनर तोड़ सकते, तो मैं एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैं उसको सोचा कि अपने घर के बाद मैं एक्सपी फार्म बनाऊँगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया पता है, सिल्क टच वाले पिकेक्स को तोड़ दिया और मुझे उम्मीद ही नहीं। अभी एक्सपी का सोर्स भी चला गया मेरा, तो चलो गाइस अभी कोई बात नहीं, आगे मिलेगा तो हम बचा के रखेंगे। अभी क्या करें यार, एक्सपी का सोर्स चला गया। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।